नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप शो में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हमारी पहली खबर है मुंबई से। 22 साल के संघर्ष के बाद 580 सफाई कर्मचारियों की बड़ी जीत। खोरी बेदखली मामला, प्रदर्शन करने जंतर मंतर पहुंचे निवासियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता एकनाथ खडसे ईडी के सामने हुए पेश। भारतीय सार्वजनिक जनजीवन में धर्म की भूमिका को समझना। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 45,892 नए मामले, 817 मरीजों की मौत। दादाराव पाटेकर ने 1996 में बृहन मुंबई नगर पालिका परिषद, जिसे पहले बृहन मुंबई नगर निगम या बीएमसी के नाम से जाना जाता था, वहां पर सफाई कर्मचारी के तौर पर अपनी सेवाएं शुरू की थी। 1999 में उन्हें ठेके पर काम करने के लिए स्वयंसेवी के तौर पर शामिल कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने अस्थायी कर्मचारी के तौर पर अपनी पहचान पाने के लिए लंबी न्यायिक लड़ाई लड़ी। 22 साल बाद औद्योगिक न्यायालय ने आखिरकार एमसीजीएम को निर्देश दिया कि वे पाटेकर और 580 सफाई कर्मचारियों की सारी बकाया राशि लौटा दे और नगर परिषद में उनका दर्जा स्थायी कर्मचारी का करे। पाटेकर दादाराव कहते हैं, मैं खुश हूँ, हम सभी को अस्थायी कर्मचारी नियुक्त कर दिया गया है। बीते सालों में चाहे गर्मी हो या बारिश, हम हर एक दिन काम पर जाते हैं, लेकिन बीएमसी हमारे काम को मान्यता नहीं दे रही थी। आखिरकार कोर्ट ने हमें न्याय दिया है, जिसका हमें लंबे वक्त से इंतजार था। लेकिन जिन 580 सफाई कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारी के तौर पर पहचान मिली है, चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से 54 बीते 22 सालों में जान गंवा चुके हैं। इन 580 कर्मचारियों में शामिल अरुण दाहीवालकर की 2014 में मौत हो गई थी। तब से उनकी पत्नी घरेलू नौकर के तौर पर काम कर रही हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उन्हें उनके बच्चे को बड़ा करने में मदद मिलेगी। वह कहती हैं, हर तारीख पर अरुण कोर्ट जाते थे, उन्हें अस्थाई होने की बहुत आशा थी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनकी लड़ाई का कोई मतलब ही ना निकले। आज वह जहां भी हैं वहां बहुत खुश होंगे। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में खोरी गांव के 1,00,000 से अधिक निवासियों को वहां से बेदखल करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के 1 महीने बाद भी निवासियों ने अपने संघर्ष को जारी रखा हुआ है, क्योंकि वे सरकार की ओर से मिल रहे भय और उदासीनता से जूझ रहे हैं। दिल्ली हरियाणा सीमा पर स्थित इस गांव में 10,000 से अधिक घर हैं और अब इन्हें बिजली और पानी की आपूर्ति से महरूम कर दिया गया है। राज्य सरकार को 6 हफ्ते की अवधि पूरी होने पर 27 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी है। पिछले 1 महीने से लगातार विरोध प्रदर्शनों ने जहां एक तरफ यहां के निवासियों के बीच उम्मीद जगाए रखी है, वहीं 6 जुलाई की शाम को गांव की सीमाओं पर 10 बुलडोजर की कतारबद्ध पंक्ति ने उनके भीतर एक फिर से भय और दहशत के माहौल को पैदा कर दिया। न्यूज क्लिक ने आपको 7 जुलाई की रिपोर्ट में दिखाया था कि खोरी के निवासियों में किस कदर डर और परेशानी का माहौल बना हुआ है। आज यानी 8 जुलाई को जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे खोरी निवासियों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। खोरी मजदूर संघर्ष समिति की प्रेस रिलीज में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मसले पर हम आपको और अपडेट देते रहेंगे। खोरी गांव से आए हुए लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा, अनुमानित 10,000 से भी ज्यादा संख्या में लोग यहां पर आए। उन सबको भी डिटेन कर लिया गया है। बहुत सारे लोगों को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन लेके गए हैं, कईयों का हमें पता नहीं कि कहां लेके गए हैं। उसको राजेंद्र प्लेस और अलग अलग थानों में लेके जाया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खडसे ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समक्ष पेश हुए। इससे एक दिन पहले संघीय एजेंसी ने उनके दामाद को गिरफ्तार किया था। खडसे, जो कि 68 वर्षीय हैं, उन्होंने दक्षिण मुंबई के बलाड स्टेट इलाके में ईडी के जोनल कार्यालय के बाहर पत्रकारों से कहा कि मामले की जाँच राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा, मैं एजेंसी के साथ सहयोग करूंगा, आज भी मैं इसके लिए आया हूं। यह राजनीति से प्रेरित मामला है और पूरा महाराष्ट्र तथा देश इसे देख रहा है। इस मामले में 5 बार जांच हो चुकी है, वे और कितनी बार जांच करेंगे।
एजेंसी ने इस मामले में बुधवार को खडसे के दामाद गिरीश चौधरी को गिरफ्तार करने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता को अपना बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा था। यह मामला 2016 में पुणे में कथित सरकारी जमीन सौदे से जुड़ा है। 68 वर्षीय खडसे ने पिछले साल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दी थी। ईडी ने इस साल की शुरुआत में मामले में उनसे पूछताछ की थी। ईडी का मामला 2017 में खडसे, उनकी पत्नी मंदाकिनी और चौधरी के खिलाफ दर्ज पुणे पुलिस के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की प्राथमिकी से सामने आया। एजेंसी ने दावा किया है कि भूमि खरीद में की गई कथित अनियमितता से राजकोष को 61.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ईडी के मुताबिक भूमि बिक्री दस्तावेज में फर्जीवाड़ा किया गया। ईडी के मुताबिक बेची गई जमीन पर सरकारी एमआईडीसी का स्वामित्व था। यह जमीन पूरे जिले के उपनगर भोसारी के हवेली तालुका में स्थित है। भूमि की सर्वेक्षण संख्या 52/2A/2 है। पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क के प्यू रिसर्च सेंटर ने भारतीय सार्वजनिक जीवन में धर्म की भूमिका के बारे में एक नया सर्वेक्षण किया है। इसकी रिपोर्ट भारत में धर्म, सहिष्णुता और अलगाव, धर्म की बदलती भूमिका और देश में धर्मनिरपेक्षता के ऊपर कुछ दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। दक्षिणपंथी राजनीति के उदय या उसकी तरक्की के संदर्भ में यह रिपोर्ट सामाजिक संबंधों के बारे में आम धारणाओं पर संदर्भ का एक नया ढांचा प्रदान कर सकती है और यह जांचने में मदद कर सकती है कि क्या इसके विकल्पों के लिए कोई जगह बची है। रिपोर्ट से निकाले गए कई निष्कर्षों में एक मुख्य विचार यह पाया गया कि 66% हिंदू खुद को मुसलमानों से बहुत अलग पाते हैं। यह एक ऐसी भावना है जिसे 64% मुसलमान भी साझा करते हैं। रिपोर्ट ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय लोग एक साथ मिलकर धार्मिक सहिष्णुता के प्रति उत्साह तो व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ ही वे अपने धार्मिक समुदाय को अलग अलग रखने को निरंतर वरीयता देते हैं, यानी वे अलग अलग रहकर भी एक साथ रहते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार यानी 8 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,892 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 817 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें से महाराष्ट्र में 326 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं केरल में 148 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 44,291 मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में करीब 3 महीने बाद 784 मामलों की बढ़ोतरी हुई। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 3,07,09,557 हो गई है, जिनमें से अब तक 4,05,028 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.18% यानी 2,98,43,825 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1.50% यानी 4,60,704 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 36,48,47,549 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 33,81,671 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।